न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले पर पहले भी खुलासे कर चुके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने फिर से इस मामले में ब्लॉग लिखकर नया धमाका किया है। इस बार उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई जजों के भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि न्यायपालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार है और कैसे उसे उजागर नहीं होने दिया जा रहा है। काटजू ने बताया है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कपाडिया को बताया था कि उस जज के खिलाफ शिकायत मिली है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। काटजू ने ब्लॉग में लिखा, जस्टिस कपाडिया ने मुझसे सच्चाई का पता लगाने को कहा। मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज था। कुछ दिनों बाद मुझे एक फंक्शन में हिस्सा लेने इलाहाबाद जाना पड़ा। वहीं मैंने 3 वकीलों से संपर्क किया और मुझे इस जज के एजेंटों के 3 मोबाइल नंबर मिले, जिनकी सहायता से ये पैसे लिया करते थे। दिल्ली वापस आने के बाद मैंने ये 3 मोबाइल नंबर जस्टिस कपाडिया को दे दिए और कहा कि इन नंबरों को इंटेलिजेंस एजेंसी से कहकर टेप करवाना चाहिए। 2 महीनों बाद जस्टिस कपाडिया ने कहा कि नंबरों को टेप कराए जाने के दौरान हुई बातचीत से जज के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात का खुलासा हुआ है। इसके बाद आदर्श स्थिति में जस्टिस कपाडिया को उस जज को दिल्ली बुलाकर उसका इस्तीफा मांगना चाहिए था। अगर वो जज ऐसा करने से मना कर देता तो इस मुद्दे को संसद में महाभियोग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस कपाडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जजों के कथित भ्रष्टाचार को उजागर न होने देने की न्यायपालिका की हिचकिचाहट की वजह बताते हुए जस्टिस काटजू ने एक और उदाहरण देते हुए लिखा है, जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस था तब मैं दिल्ली आया और तत्कालीन चीफ जस्टिस लाहौटी से मिला। मैंने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों के नाम दिए जो गलत कामों में लगे थे। जस्टिस लाहौटी ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि उन जजों को हाईकोर्ट के परिसर में नहीं घुसने देना चाहिए। इस पर जस्टिस लाहौटी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, नहीं तो राजनीतिक दखल बढ़ जाएगा और वो नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बना देंगे। फिर मैंने कहा कि आपको जो सही लगे वो कदम उठाइए। बाद में उन जजों का तबादला कर दिया गया। काटजू ने यह भी कहा कि भ्रष्ट जजों का तबादला समस्या का हल नहीं हो सकता। अपने दावों का बचाव करते हुए उन्होंने ये दलील दी है कि न्यायपालिका के असली मानहानि भ्रष्ट जजों की कारगुजारियों पर पर्दा डालने से होती है, न कि उन्हें उजागर करने से। काटजू के इस खुलासे को कुछ लोग गंभीर बता रहे हैं तो कुछ लोग इतने समय बाद खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। 92 से ये बात छेड़ रही है, 92 पर ये किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं था, ये सिर्फ एक आवाज़ थी कि एक इंडिपेंडेंट फुल टाइम बॉडी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। तब तो किसी ने कुछ नहीं करा, अब एकदम से ये क्या हो गया है, उनको क्या मतलब, या जिस तरीके से एक पर्टिकुलर रिटायर्ड जज आज हर रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे तो उसमें कुछ आता है कि वो किसी से मोटिवेटेड है। काटजू का इशू जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है जो उन्होंने उठाया, जिस तरह से टिप्पणी की। मुझे लगता है कि ये जुडिशरी पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और इसको जुडिशरी से ही इसका रिस्पांस आना चाहिए। काटजू ने इससे पहले भी राजनीतिक दबाव में एक भ्रष्ट जज को प्रमोशन मिलते रहने का आरोप लगाया था। जाहिर है न्यायपालिका से जुड़े लोग ही उसमें भ्रष्टाचार के मामले होने का आरोप लगा रहे हैं जो काफी संगीन है, लेकिन अगर यही आरोप सही समय पर लगाए गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।